आपकी निशा तलवा, स्वागत है आपका आज मेरे किचन में। जैसे कि मैं आपको लॉकडाउन में नई नई रेसिपी लेकर आई हूँ, आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी यूनिक और लेटेस्ट जो रेसिपी आपके सामने रखूंगी, आप हैरान हो जाओगे कि किसकी भी कोई सब्जी बन सकती है। तो आप जानना चाहेंगे कौन सी सब्जी बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर उसे देखना है, उसे देखने से पहले आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन का बटन, और वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिए। ये क्या है, पहचान चुके होंगे आप अभी तक, ये क्या है? वाटरमेलन। ये वाटरमेलन है, हम सभी खाते हैं इसे गर्मियों में, सभी खाते हैं। और इसका जो ये छिलका है, ये टुकड़ा है, हम इसको फेंक देते हैं, वैसे ही फेंक देते हैं। आपको पता है इसमें क्या है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी है। इसे फेंका नहीं जाएगा, इसकी हम सब्जी बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम सब्जी बनाएगा, वो सब्जी बिल्कुल कद्दू, सीतापन या लौकी की तरह बनेगी। तो चलिए चलते हैं, बताती हूँ मैं आपको कि इसे किस तरह से बनाना है। चलो, ये देखिए, हम इसका छिलका जो है वो किसी भी पिलर से आप निकाल सकते हो। मैं इसे निकाल दी हूँ, इसके छिलके को हम निकाल देंगे, जितना भी छिलका है हम सारा छिलके को हम निकाल देंगे। छिलका निकालने के बाद हम एक दो लेयर और निकालेंगे, क्योंकि जो है वाटरमेलन में इतना टेस्ट नहीं होता है, तो इसका छिलका जो छिलके में इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, तो हम इसकी डबल लेयर निकाल देंगे। मैंने आपके सामने इसकी डबल लेयर निकाल दी, ये देखिए। अब हम इसके बारीक बारीक टुकड़े करेंगे, बिल्कुल बारीक। ये देखिए, इसका छिलका उतार के, डबल लेयर हार्ड होता है इसलिए हम इसका छिलका उतार लेते हैं। अब हम इसके बारीक बारीक टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं और ज़्यादा छोटे भी नहीं। ऐसे करके आप अपने सभी तरबूज वाटरमेलन के टुकड़ों को काट लीजिए। ये देखिए, मैंने जो आपको पीसेस दिखाया वो मैंने इतने छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, ये देख सकते हैं, इस स्मॉल टुकड़ों में। और मैंने ऑलरेडी इसके टुकड़े काट के रखे हैं, तो ये टुकड़े भी मैं इसी में मिला। वाटरमेलन को तड़का लगाने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो है, ये एक बड़ा प्याज, दो हरी मिर्च, और ये 10 या 12 कलियां मैंने लहसुन की, और दो टमाटर के प्यूरी। तो आप चाहें तो इन्हें बारीक हाथों से भी काट सकते हैं, स्मॉल स्मॉल चॉप्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्राइंड में प्यूरी बनाकर या पेस्ट बनाकर यूज करूंगी। तो मिलते हैं इसका पेस्ट बनाकर। लहसुन कर दीजिए अपनी, और एक कढ़ाई ले लीजिए, और कढ़ाई हमने रवि ले ली है, और ये सरसों का तेल मैं यूज कर रही हूँ। तकरीबन 3 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, और सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है खाने में भी, तड़के में भी आप यूज़ करें कभी तो सरसों का तेल यूज़ करें। तेल को मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया था, तेल हो चुका है हमारा गर्म अच्छे से। और ये देखिए, मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि क्या क्या डालना है हमने तड़का के लिए। 2 लाल मिर्च साबुत यहाँ ले रही हूँ, वो डाल दीजिए। थोड़ी सी राई मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, आप राई का इस्तेमाल कर लीजिए। 1 चम्मच मैं राई का इस्तेमाल कर रही हूँ, और साथ साथ ये ज़ीरा भी हम डाल देंगे 1 चम्मच। ये पेस्ट है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब अच्छा ब्राउन होने के बाद कोरिएंडर पाउडर मैंने डाला है 1 चम्मच, और ये 1 चम्मच हल्दी मैंने इसमें ऐड की है, लाल मिर्च 1/2 चम्मच मैं यूज कर रही हूँ। अगर आप तीखा या खाना चाहते हैं तो ही लाल मिर्च का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने हरी मिर्च पहले से ही पेस्ट में डाली है। और इस पेस्ट को हम हल्का सा कलर आने तक भुनेंगे, हल्का ब्राउन कलर आ जाए। ओवर कुक हम इन मसालों को बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इन मसालों से। अब देखिए, ये मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है हमारा, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें टमाटर की जो ये प्यूरी है मैंने बनाई है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप प्यूरी नहीं बनाना चाहते तो इसके छोटे छोटे टुकड़े काट कर भी इसमें टमाटर के डाल सकते हैं। ये देखिए क्या कलर हमारे सब्जी का आया है, कितना अच्छा कलर हमारे जी। इसे हम 1 या 1.5 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक हमारा टमाटर का जो पेस्ट है सारे अब मसालों के साथ घुल मिल ना जाए। नमक हम टेस्ट के हिसाब से यूज करेंगे, जितना भी आपका टेस्ट हो उसी हिसाब से आप यूज करें। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच यूज किए हैं, और इसे मिक्स कर दिया अच्छे से। अब देखिए, मैं 1-1.5 मिनट बाद चेक कर रही हूँ, तो ये पेस्ट जो है हमारा अच्छे से पक चुका है, तैयार है।
अब हम इसमें अपने वाटरमेलन के टुकड़े, देखिए कितने अच्छे कलर आया है हमारे वाटरमेलन के टुकड़ों का, पिंकिश है, ग्रीन है और वाइट भी है, और हम इसमें डाल देंगे सारे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे लो फ्लेम पे कम से कम 15 या 20 मिनट के लिए कुक करेंगे, और बीच बीच में हम इसे चेक भी करते रहेंगे। और आधा चम्मच मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, वो भी टेस्ट के लिए। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके बिना भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, ये बहुत टेस्टी होती है। ये कद्दू या लौकी की तरह बनती है। बस आप 20 मिनट के लिए इसे ढक दीजिए और अच्छे से लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर इसे कुक होने दीजिए। तो 8 या 10 मिनट हमें हो चुके हैं, बीच बीच में हमें इसे चेक करना है। मैं ये देख चेक करना है, ये देखिए कितना अच्छा कलर हमारे इस सब्जी को आया है। वाटर मेलन की सब्जी बहुत अच्छी लुक लग रहा है, बहुत यम्मी दिख रही है, और मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि ये खाने में भी उतनी टेस्टी होगी जितना ये दिख रही है। इसको बीच बीच में चलाते रहे क्योंकि अभी इसे पकने में, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट नहीं अभी हुई है। अच्छे से इसको कुक होने दीजिए। अभी तकरीबन 10 मिनट लगा हुआ है, इसे 10 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। ये देखिए हमारा कलर जो है रेड सा आ चुका है ऊपर, और ये जो है ये कुक हो चुकी है। मैं गैस कर रही हूँ बंद। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड, कसूरी मेथी को हल्का क्रश करके आप डालिए, अच्छी खुशबू देगा। आपके पास हरा धनिया, आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लीजिए अच्छे से। मैं यहाँ पे इस सब्जी को एक किसी बर्तन में निकाल रही हूँ। ये देखिए हमारी जो है वाटर मेलन की सब्जी रेडी है, और बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनी है। और इसका लुक देखिए कितना अच्छा आया है। और इसे कम से कम 20 से 25 मिनट पकने में लगते हैं अगर आप खुले बर्तन में बनाते हैं, लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में बनाते हैं इसे 3 या 4 विसल में बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को कर लीजिए लाइक, और मेरी वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।